WWE समर स्लैम जो कि आपको यहाँ पे अगस्त तक में देखने को मिल जाएगा, उसमें ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड्स का एक लास्ट मैच होने वाला है। यहाँ पे सबको पता है कि भाई इनके तीन मैचेस होने थे, क्योंकि यहाँ पे दो मैचेस में एक में कोडी रोड्स जीते हैं, एक में ब्रॉक लेसनर जीते हैं, तो यहाँ पे अगला मैच कोडी रोड्स को जीतना है, जिससे भाई कोडी रोड्स को एक बड़ा सुपरस्टार दिखाया जा सके। अब आप लोग तो ये बोलोगे कि भाई ये सब तो हमें पता है, हम तुम्हारे वीडियोज़ में ऐसा क्या देख सकते हैं जो हमको नहीं पता हो। तो यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे न्यूज़ वगैरह आपको देने वाला हूँ, और उनके बेसिस में यहाँ पे मैं प्रेडिक्शन करूँगा कि भाई इस मैच में वैसे जीतेंगे तो भाई कोडी रोड्स ही जीतेंगे, लेकिन यहाँ पे किस तरीके से वाला मैच होना चाहिए, तो यहाँ पे आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर इस तरीके के वीडियोस देखने अच्छे लगते हैं तो भाई जरूर सब्सक्राइब करना, कम सब्सक्राइबर्स देख के मेरे चैनल को जज मत करना, इस तरीके के वीडियोस कोई नहीं बनाएगा। वीडियो क्लिप डालता हूँ मैं, हो सकता है कि कल सुबह ये वीडियो आपको चैनल में ना देखने को मिले, मेरा WWE वीडियो ही ब्लॉक कर देती है, लेकिन इस वक्त के लिए देखने को मिल रहा है तो जरूर आप देखिए। तो यहाँ पे बेसिकली मैं बात कर रहा था कि भाई ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड्स का जो मेन इवेंट मैच होगा, मेरे को ऐसे ही लगता है कि ये वाला ही मेन इवेंट होने वाला है। अब आज की डेट में WWE कैसे करते हैं कि यहाँ पे ट्रिपल मेन इवेंट, मतलब एक ही पेपर व्यू में आपको दो या तीन मेन इवेंट मैचेस देखने को मिल जाते हैं, तो ये भी वन ऑफ द मेन इवेंट होने वाला है। यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे भाई ब्रॉक लेसनर और कोडी रोड्स के मैच में कोई एक स्टिपुलेशन ऐड करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे बात करोगे न्यूज़ वगैरह की, अगर बात करें तो यहाँ पे इनका रोप मैच यहाँ पे ऐड होने वाला है। अब रोप मैच क्या होता है, रोप मैच बता देता हूँ भाई, कि दोनों रेफलर्स के हाथों में एक रस्सी बंधी होती है जिससे एक दूसरे से ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं। अगर आपको ये वाला मैच देखना है, WWE में पहले हो चुका है, ट्रिपल एच वर्सेस केन 2001 में हुआ था, चेन मैच था वो, यहाँ पे रोप मैच होने वाला है। तो यहाँ पे इस तरीके से स्टिपुलेशन होता है, लेकिन अगर आप मेरी बात मानोगे तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच अथवा हेल इन अ सेल मैच हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। आप लोग जानते आए हो कि हमेशा से भाई ब्रॉक लेसनर की हिस्ट्री रही है लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में क्या ही बेहतरीन तरीके से इनकी रेफलिंग होती है। 2022 में रोमन रेंस के खिलाफ वाला मैच तो आप लोगों ने देखा ही होगा, उसके पहले 2002 में दी अंडरटेकर को हराया था हेल इन अ सेल में। तो यहाँ पे हेल इन अ सेल और लास्ट मैन स्टैंडिंग वाला मैच अगर आप लोग देखते हो ब्रॉक लेसनर को, तो भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे अगर ये इसमें इनके साथ फाइट करते हैं तो भाई एटलीस्ट ब्रॉक लेसनर हारेंगे ये तो पता ही है, लेकिन यहाँ पे क्लीन पिन भी अगर हो जाते हैं ना तो मैच एक नंबर का देखने को मिलेगा, और वही चीज़ सबको ही देखना चाहते हैं। अब पर्सनली अगर बात करूँ ना ब्रॉक लेसनर के प्रोफाइल के हिसाब से कि भाई ये वाला मैच उनको बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करने वाला है, कि भाई 22 साल पुराना रिकॉर्ड ब्रॉक लेसनर का टूट जाएगा, मतलब एक साल में उन्होंने तीन से ज़्यादा मैचेस कभी नहीं हारे, यहाँ पे ऑलरेडी तीन मैच वो हार चुके हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो कि भाई ब्रॉक लेसनर अगर ये वाला मैच हारते हैं ना तो 20 साल पुराना रिकॉर्ड उनका टूट जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि भाई रोमन रेंस तो एक हील सुपरस्टार था, उसने बाकी के उसके उशोफ ने मिलकर ब्रॉक लेसनर को हराया था, मतलब 4 से 5 लोगों ने मिलकर। अब यहाँ पे अगर 1-on-1 मैच होता है तो भाई बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी ब्रॉक लेसनर को, ब्रॉक लेसनर के फैंस के लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी, कि बात यह हो जाएगी कि भाई कोई भी एक ऐसा रेफलर है जो दूसरी कंपनी से आता है, खास करके कोडी रोड्स की अगर बात करें AEW से आ रहे हैं वो, और यहाँ पे कंपनी अच्छा दिखाने के लिए ब्रॉक लेसनर को हरा देती है। अब अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहोगे ना कि ब्रॉक लेसनर को ये वाला मैच क्यों नहीं हारना चाहिए, हालांकि वो वाला तो मैच हारने वाले ही हैं वो, लेकिन क्यों नहीं हारना चाहिए, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि भाई यहाँ पे ब्रॉक लेसनर अगर ये वाला मैच हारते हैं तो अगला मैच कोई भी ब्रॉक लेसनर का होगा तो यहाँ पे लोगों को एक्साइटमेंट नहीं आएगी। लोगों को यहाँ पे पहले से ही पता होगा कि भाई 1-on-1 मैच में भी ब्रॉक लेसनर हार सकते हैं, और यहाँ पे जो सुपरस्टार नंबर वन कंटेंडर किसी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जो ब्रॉक लेसनर बन सकते थे पहले, वो आज की डेट में नहीं बनेंगे। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न रहेगा कि भाई जितने मैचेस वो हार रहे हैं ना केन उतने मैचेस हारा करते थे, यहाँ पे केन के जैसा बना दिया ब्रॉक लेसनर को। अगर प्रोफाइल की बात करता हूँ ना तो यहाँ पे केवल ऐसी बात नहीं है कि 20 साल का रिकॉर्ड टूटेगा, दूसरी बात यह है कि WWE में आज की डेट में बाकी के सुपरस्टार्स नहीं हैं। अगर आप रोमन रेंस को हटा देते हो, रोमन रेंस से रॉलिंस और यहाँ पे ब्रॉक लेसनर कोडी रोड्स को हटा देते हो, तो यहाँ पे बड़े सुपरस्टार्स नहीं हैं। रैंडी ऑर्टन भाई पहले से अवेलेबल नहीं है, इंजर्ड चल रहे हैं, जॉन सीना की तो बात छोड़ दो, और यहाँ पे जो बाकी के सुपरस्टार्स हैं वो भी एब्सेंट चल रहे हैं। यहाँ पे आप ड्रू मैकइंटायर को आप देख सकते हो, उनका यहाँ पे ये भी कंफर्म नहीं है कि वो WWE में होने वाले हैं नहीं होने वाले हैं, बॉबी लेफली का कुछ ज़्यादा पता नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप कोई दूसरे सुपरस्टार्स को देखोगे तो अवेलेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है, और यहाँ पे ब्रॉक लेसनर केवल एक ऐसा सुपरस्टार है जिसने 2022 और 2023 में हर एक पेपर व्यू में यहाँ पर रेफलिंग की है। मनी इन द बैंक में ये शायद तक ब्रेक लेने वाले हैं, उसी के इस कारण से यहाँ पे मनी इन द बैंक का मैच जो आपको समर स्लैम में देखने को मिलने वाला है। तो कुछ इस तरीके से इस मैच का प्रेडिक्शन था। बाय द वे आप ये जरूर बता सकते हो कि क्या होना चाहिए इनके मैच में। मेरे को ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच परफेक्ट रहेगा, और अगर आप लोग बोलोगे कि भाई रिपीट होगा पिछले साल भी हुआ तो यहाँ पे हेल इन अ सेल मैच बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। तो कुछ इस तरीके से वीडियो था, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।